Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. AR रहमान के संगीत में एक किस्म का जादू है, यह सुनने वालों की रूह तक उतर जाती है। AR रहमान का जन्म 6 जनवरी 1967 में हुआ था। वह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पैदा हुए थे। वह आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनके बारे में रोमांचक फैक्ट्स बता रहे हैं। आइए जानते हैं। अब तक भारत में 5 लोगों को सिनेमा का प्रतिष्ठित अवार्ड ऑस्कर मिल चुका है। इसमें से AR रहमान ऐसे हैं जिन्हें 2 अवार्ड्स मिले हैं। हालांकि ये दोनों अवार्ड्स भी उन्हें एक ही फिल्म के लिए मिले हैं, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। AR रहमान को साल 2008 में ऑस्कर मिला था। उन्हें जय हो के लिए 2 ऑस्कर, सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ गीत मिला था। AR रहमान के साथ खास बात है कि वह रात को ही रिकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि यह नियम उन्हें बदलना पड़ा। उन्होंने लता मंगेशकर के लिए अपना नियम बदला और सुबह में रिकॉर्डिंग की। लता मंगेशकर का मानना है कि सुबह उनकी आवाज में ताजगी होती है, इसलिए रहमान उनके साथ सुबह रिकॉर्डिंग करते हैं। रहमान को संगीत अपने पिता से विरासत में मिला है। उनके पिता आर के शेखर मलयाली फिल्मों से जुड़े थे। इसके अलावा रहमान ने मास्टर धनराज से म्यूजिक का ककहारा सीखा। 9 साल की उम्र में पिता ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद रहमान के परिवार की आर्थिक हालात काफी खराब हो गए। पैसों की खातिर परिवार वालों को वाद्य यंत्र तक बेचने पड़े थे। काफी संघर्ष के बाद मणिरत्नम ने फिल्म रोजा में ब्रेक दिया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। AR रहमान के पिता हिंदू थे। बाद में रहमान ने सूफी को अपना लिया। इसके पीछे की वजह की वह पीर कादरी साहब के संपर्क में आए। इसका उन पर काफी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा उन्होंने अपना नाम भी बदला। पहले उनका नाम दिलीप कुमार था। AR रहमान के मुताबिक उन्होंने ज्योतिषी की सलाह पर अपना नाम बदला था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।